नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। दोस्तों बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस एग्जाम के लिए आपका 18 अगस्त जो है परीक्षा तिथि जो है संभावित घोषित किया गया है और ऑफिशियल जो है नोटिस जारी कर दिया गया है। और इसीलिए दोस्तों अब आपके लिए पास मुश्किल से 43 से 44 दिन बचे हुए हैं और आपको इन दिनों अपने अंतिम दिनों में जो है अपनी तैयारी अच्छी करनी होगी। इसलिए अब हम आपको जो है लगातार प्रैक्टिस सेट देने वाले हैं। दोस्तों आज हमारा ये पहला प्रैक्टिस सेट है क्योंकि आपके लिए अलग से प्रैक्टिस सेट शुरू हो रही है। इसमें आपको 50% दोस्तों मिलने वाले हैं। इसमें दोस्तों सारे टॉपिक्स के आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो 50 में से आप कितने प्रश्न सही करते हैं हमें ज़रूर बताइएगा और आप इसको जो है सीरियसली करिएगा ताकि जो है आप एग्ज़ाम में अच्छा जो है प्रदर्शन कर पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जो है वीडियो पहुँच पाए। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न आज का क्या है। सर्वप्रथम डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2019 किसके द्वारा जारी की गई। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके एग्जाम में 10 से लेकर 15 प्रश्न जो है करंट अफेयर के देखने को मिलने वाले हैं निश्चित तौर पर। तो सर्वप्रथम डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2019 किसके द्वारा जारी की गई, तो इस प्रश्न का हमारा देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अंकटाड। अब देखिए यहाँ पर आपको अंकटाड में कन्फ्यूजन नहीं होना, इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है अंकटाड। देखिए ये है यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जो संस्था है इसके द्वारा पहली सर्वप्रथम जो है डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2019 जारी की गई। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन CTAD यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल राइट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है निम्न में से कौन सा जो देश है वो सार्क का सदस्य नहीं है। तो देखिए सार्क में कौन कौन से देश हैं, सार्क में कुल 8 देश हैं। आपको शॉर्ट फॉर्म भी पता होगा, आपको इसका जो ट्रिक याद रखना है MBBS पीना, तो यहाँ से आप जो है कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो देखिए MBBS पीना से क्या हो जाएगा, आपका मालदीव हो गया, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल और अफगानिस्तान। इसमें हमारा सिंगापुर नहीं आता है तो आपको यहाँ पे याद रखना है ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। जो सार्क का सदस्य है वो सिंगापुर नहीं है, करेक्ट हो जाएगा। सिंगापुर जो है आसियान का सदस्य है। किसका सदस्य है? आसियान का सदस्य है। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। और आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो सिंगापुर जो है आसियान का सदस्य है, सार्क का सदस्य नहीं है। आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। और सार्क का जो मुख्यालय है वह नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। ये दोनों बात याद रखनी है। तीसरा प्रश्न है वस्तु एवं सेवा कर जो कि GST है में निम्न में से कौन सा कर शामिल नहीं किया गया है। तो GST में कौन सा कर शामिल नहीं किया गया है, यहाँ पर सही हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सीमा शुल्क। सीमा शुल्क जो है GST में शामिल नहीं किया गया, तो आपको याद रखना है। बात करें GST लागू कब किया गया था, तो 1 जुलाई 2017 को जो है लागू किया गया था। कब? 1 जुलाई 2017 को जो है हमारे देश में GST लागू किया गया था। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न, संसद का दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, संसद का दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय को स्थापित करने का जो अधिकार है वह अनुच्छेद 231 के अंतर्गत आता है। जैसे कि आप जान सकते हैं कि बहुत सारे राज्य ऐसे होते हैं जैसे कि अंडमान निकोबार और पश्चिम बंगाल का एक ही हाईकोर्ट है, उसी प्रकार से हरियाणा और पंजाब का जो है हाईकोर्ट एक ही है चंडीगढ़ में। तो इस प्रकार से दो राज्यों के एक जो है उच्च न्यायालय हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 231 जो अनुच्छेद है ये अनुमति देता है। पांचवा प्रश्न है कि लोकायत जो है दर्शन, लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है, जैन को, बौद्ध को, चार्वाक को या फिर किसको। तो पांचवें प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा जो लोकायत दर्शन है वह चार्वाक को कहा जाता है। जो हमारा चार्वाक दर्शन है उसे लोकायत दर्शन कहते हैं। सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। छठा प्रश्न देखिए, हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन है। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है क्योंकि पहले लोकपाल की बात हो रही है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष जो है हमारे देश के पहले लोकपाल जो है नियुक्त हुए हैं। कौन है? जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सातवां प्रश्न है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए 31 अक्टूबर 2017 को, कब? 31 अक्टूबर 2019 माफ़ कीजिएगा 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। तो लद्दाख का जो पहला उपराज्यपाल है वह राधाकृष्ण माथुर को जो है नियुक्त किया गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, राधाकृष्ण माथुर। बात करें कि जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन नियुक्त किए गए थे, तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो थे जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल नियुक्त किए गए थे, लेकिन वर्तमान में मनोज सिन्हा जो हैं जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल हैं और राधाकृष्ण माथुर जो हैं लद्दाख के वर्तमान में उपराज्यपाल हैं। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना होगा।
आठवां प्रश्न है, एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? तो जो हमारा अंतर्राज्यीय परिषद होता है इसकी स्थापना भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नवां प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समाचार पत्रों की स्वतंत्रता का प्रावधान करता है? तो देखिए, समाचार पत्र की स्वतंत्रता का प्रावधान कौन करता है? तो हमारे यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19(1) जो है हमारा समाचार यानी कि फ्रीडम ऑफ प्रेस की जो है प्रावधान करता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दसवां प्रश्न देखिए, राफेल की ताकत हासिल करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश बन गया है? तो जो राफेल है हाल ही में भारत में आ चुका है और यह राफेल प्राप्त करने वाला देश विश्व का चौथा देश बन गया है। देखिए, जो राफेल है यह प्रमुख रूप से फ्रांस में निर्माण होता है, तो फ्रांस के पास तो है ही। फ्रांस के अलावा अगर हम बात करें इसकी तो और कौन से देश में, देखिए ये मिस्र में है वर्तमान में, मिस्र ने खरीदा है फ्रांस से। इसके अलावा कतर ने भी फ्रांस से ये खरीदा है और चौथा देश बना है भारत जो है फ्रांस से राफेल खरीदने वाला। तो चौथा ऑप्शन नंबर बी चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयुक्त होता है? देखिए, राइजोबियम, नीलहरित शैवाल और एजोला। सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है, यानी कि जो तीनों हैं यह जैव उर्वरक के रूप में जो है प्रयुक्त किए जाते हैं। 12वां प्रश्न है, पिकनोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो देखिए, जो पिकनोमीटर नामक उपकरण होता है इसे घनत्व, मुख्य रूप से हम गैस डेंसिटी नापते हैं। क्या करते हैं? गैस डेंसिटी जो होती है उससे हम मापते हैं, किससे? पिकनोमीटर से। तो वहाँ पर घनत्व जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो देखिए, जो अमृतधारा जलप्रपात है यह हसदो नदी पर है। किस नदी पर है? हसदो नदी पर है। और बात करें किस राज्य में है, तो ये छत्तीसगढ़ में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ के हसदो नदी में जो है अमृतधारा जलप्रपात है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 14वां प्रश्न देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा बन सकते हैं किस प्रकार के प्रतिबिंब? तो देखिए, जो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनते हैं वह केवल आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल आभासी। 15वां प्रश्न है, विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? देखिए, विद्युत धारा जो उत्पन्न करने की युक्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा जनित्र, यानी कि जो जनरेटर होता है यह विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जनित्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेलुलोज। सेलुलोज जो होता है हमारा ये प्राकृतिक बहुलक होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं किसके मध्य के बीच में जो है हस्ताक्षरित हुई थी? तो देखिए, 1816 में जो सुगौली की संधि हुई थी यह भारत यानी कि ब्रिटिश जो कंपनी थी, ब्रिटिश और नेपाल के बीच में जो युद्ध के बाद सुगौली की संधि जो हस्ताक्षरित हुई थी ब्रिटिश के बीच में, अंग्रेजों के बीच में और गोरखा के बीच में। किसके बीच में? अंग्रेज और गोरखा के बीच में 1816 में जो है सुगौली की संधि जो है हस्ताक्षरित की गई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में कांग्रेस का लक्ष्य क्या घोषित किया गया था? तो देखिए, जो 1906 में कांग्रेस का कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था उसमें स्वराज्य प्राप्ति का जो है लक्ष्य रखा गया था। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए स्वराज्य प्राप्ति का लक्ष्य जो है रखा गया था, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, इंटरनेट को नागरिक का मौलिक अधिकार घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो देखिए, इंटरनेट को मौलिक अधिकार में शामिल करने वाला केरल जो है देश का पहला राज्य बन गया है, यानी कि यहाँ पर इंटरनेट को जो है मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया है। 20वां प्रश्न हमारा है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो राज्य के महाधिवक्ता का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 165। देखिए, जो हमारा अनुच्छेद 165 होता है उसमें राज्य के महाधिवक्ता के पद का जो है प्रावधान किया गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ? तो देखिए, रेशम बनाने की तकनीक का जो सबसे पहले आविष्कार हुआ था वह चीन में हुआ था और जो चीन है वह रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश भी है। तो ये दोनों पॉइंट बनते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है 22वां,
जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है, इस प्रभाव को क्या कहते हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अपवर्तन कहते हैं, यानी कि जब प्रकाश एक दिशा से एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है तो उसका जो दिशा है वो बदल जाता है, इसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राफेल विमान किस देश से प्राप्त किया? तो देखिए, भारत ने जो है राफेल विमान किस देश से प्राप्त किया, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस से जो है भारत ने राफेल विमान प्राप्त किया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को जो है बाघ दिवस मनाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 29 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं, यानी कि एक वर्ष में लोकसभा में के जो है कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा, वर्ष में 2 बार, यानी कि हर 6 माह पे जो है सत्र बुलाना आवश्यक है और वर्ष में कम से कम 2 सत्र बुलाना जरूरी है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वर्ष में 2 बार जो है लोकसभा का सत्र बुलाना आवश्यक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 26वां प्रश्न है, चीनी ऐप भारत के किस मंत्रालय द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? देखिए, आपको पता होगा इससे पहले भारत के 58 ऐप प्रतिबंधित किए गए थे जिसमें टिकटॉक भी शामिल था, लेकिन अभी हाल ही में जो है पबजी समेत कुल मिलाकर 118 ऐप जो है प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। तो ये प्रतिबंधित किया गया है इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, भारतीयों को 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा, माउंटबेटन योजना। देखिए, जो भारत की सत्ता सौंपी गई थी वो माउंटबेटन योजना के अंतर्गत ही सौंपी गई थी, तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं की समस्याओं का अध्ययन करने हेतु भारत सरकार द्वारा 1886 में निम्न में से किस समिति का गठन किया गया था? तो देखिए, यहां पर बात हो रही है 1886 की, तो 1886 में किस समिति का गठन किया गया था? सही आंसर हो जाएगा, एलएम सिंघवी कमेटी का जो है गठन किया गया था 1886 में। एलएम सिंघवी कमेटी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, पोर्ट ब्लेयर निम्नलिखित में से किस द्वीप पर अवस्थित है? जो अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, यह कहाँ पर अवस्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा, दक्षिणी अंडमान में है। कहाँ पर? दक्षिणी अंडमान में जो है पोर्ट ब्लेयर हमारा अवस्थित है। अगला प्रश्न है, तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक का नाम किस अखबार के साथ जुड़ा हुआ है? तो बाल गंगाधर तिलक का जो नाम है वह मराठा अखबार के साथ जुड़ा हुआ है, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। 31वां प्रश्न है, गुलबदन बेगम द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो देखिए, गुलबदन बेगम जो थी हुमायूं की बहन थी और इसने हुमायूं नामा की रचना की थी, सही आंसर क्या हो जाएगा? गुलबदन बेगम ने जो है हुमायूं नामा की रचना की थी, जो कि हुमायूं का जीवन चरित था, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जिन लोगों ने भी चुना होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चीन द्वारा आधिकारिक रूप से दावा कर रहे चर्चित सकतेंग वन्य जीव अभयारण्य किस देश में अवस्थित है? यानी कि जो सकतेंग वन्य जीव अभयारण्य है इस पर चीन का दावा किया जा रहा है, वास्तविक रूप से यह किस देश में है? तो सही आंसर हो जाएगा, यह वास्तविक रूप से भूटान में है, जबकि चीन इस पर जो है अपना दावा कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न देखिए, हाल ही में किस संस्था ने COVID-19 से बचने के लिए एक व्यवहार परिवर्तन अभियान नेविगेट द न्यू नॉर्मल लॉन्च किया है? तो नेविगेट द न्यू नॉर्मल किसने लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा, हमारे देश के नीति आयोग ने। नीति आयोग से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। पहला, इसका फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग के दोस्तों वर्तमान में अध्यक्ष हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं और CEO जो हैं वो अमिताभ कांत हैं। यहाँ से प्रश्न बार बार बनते हैं। 34वां प्रश्न है, पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है किसकी? जो पूसा सुगंधा 5 है यह धान की एक सुगंधित किस्म है। सही आंसर क्या हो जाएगा? धान की यह सुगंधित किस्म है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 35वां प्रश्न है, एरोपोनिक्स एक विधि है किसकी? तो जो एरोपोनिक्स है वह पौधे को हवा में उगाने की जो है एक विधि है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? सही आंसर हो जाएगा, सिराजुद्दौला, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर क्या हो जाएगा, सिराजुद्दौला।
37वां प्रश्न है कि प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है। तो प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, यानी कि सी जो है 20 करेक्ट हो जाएगा, 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। 38वां प्रश्न है किस खनिज को मूर्खों का सोना भी कहा जाता है, यानी कि ऐसा कौन सा खनिज है जिसे मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाइराइट को जो है मूर्खों का सोना कहा जाता है, पाइराइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न है भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1772 ईस्वी में प्रत्येक जिला में दो अदालतें निर्मित की, जिसमें से एक फौजदारी अदालत तथा दूसरा दीवानी अदालत था। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो है, देखिए 1773 आपको याद होगा, 1772 में इसने जो है ये सब किया था, बाद में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट भी आया था जिसमें हमारे देश में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी, जो कि यहीं से हमारे हाई कोर्ट का जो है प्रावधान लिया गया था। तो यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न है निम्न में से किस जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से भी जाना जाता है। तो हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से किसे जाना जाता है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो पेरू की जलधारा है इसे हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है 41वां प्रश्न पंचायती राज संरचना में कितने स्तर होते हैं। तो देखिए जो हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था है वह त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। अब ये तीन स्तर कौन कौन से, देखिए पहला हमारा होता है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड यानी कि ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, और तीसरा जिला स्तर पर जो है जिला परिषद होता है। तो ये हमारा जो तीन स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है यह बलवंत राय मेहता कमेटी की अनुशंसा पर जो है हमारे देश में लागू किया गया था। तो ये ऑप्शन नंबर सी याद रखना है, तीन स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था हमारे देश में लागू है। 42वां प्रश्न है पुस्तक द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन पुस्तक के लेखक कौन है निम्नलिखित में से। तो सही आंसर हो जाएगा रवीश कुमार। देखिए रवीश कुमार एक प्रसिद्ध पत्रकार हैं और इन्हें हाल ही में जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। रेमन मैग्सेसे को एशिया का नोबेल भी कहते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इनसे पूछा जाएगा। तो रवीश कुमार को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था और इनकी पुस्तक द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 43वां प्रश्न है कृष्ण यानी कि जो ब्लैक रिवॉल्यूशन है इसका संबंध किससे है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा ब्लैक रिवॉल्यूशन है इसका संबंध है खनिज तेल के उत्पादन से, यानी कि जो कृष्ण क्रांति है यह खनिज तेल के उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है 44वां निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है। देखिए प्रतिरक्षा, बैंकिंग और वायु सेवा जो है यह संघ सूची में है, लेकिन जो भूमि है यह संघ सूची में शामिल नहीं है। तो डी ऑप्शन हमारा जो है 44वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न है पारादीप बंदरगाह किस नदी के डेल्टा पर स्थित है। तो पारादीप जो बंदरगाह है वह महानदी के डेल्टा पर स्थित है, सही आंसर क्या हो जाएगा महानदी के डेल्टा पर स्थित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 46वां प्रश्न है प्रकाश का रंग निर्धारण होता है किसके द्वारा। तो देखिए जो प्रकाश का रंग निर्धारण होता है वह उसके तरंग दैर्ध्य से होता है, सही आंसर क्या हो जाएगा वेवलेंथ, यानी कि तरंग दैर्ध्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47वां प्रश्न है अश्रु गैस को किस नाम से जाना जाता है। तो अश्रु गैस को क्लोरोपिक्रीन के नाम से जाना जाता है, सही आंसर क्या हो जाएगा क्लोरोपिक्रीन के नाम से अश्रु गैस को जाना जाता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है लेडी रतन टाटा ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो लेडी रतन टाटा ट्रॉफी का संबंध जो है वह हॉकी के खेल से है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हॉकी। 49वां प्रश्न देखिए क्या है वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को अल्पकालिक उधार देती है क्या कहलाती है। तो देखिए जब आरबीआई किसी बैंक को अल्पकालिक उधार देती है उसे हम कहते हैं रेपो रेट, क्या होता है रेपो रेट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है अभिधम्म पिटक की रचना मोगली पुत्र तिस्सन ने किस बौद्ध संगीति में की थी। तो देखिए मोगली पुत्र तिस्सन ने अभिधम्म पिटक की जो रचना है वह तीसरी बौद्ध संगीति में की थी, किसकी किसरी तीसरी बौद्ध संगीति में, और इस समय शासनकाल किसका था अशोक का शासनकाल था, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, इस वीडियो में 50 प्रश्न थे, आपने 50 में से कितने प्रश्न सही किए कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी हमें बताइएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ये सीरीज चालू रखेंगे और आपको जो है लगातार जो है प्रैक्टिस दिया जाएगा। इसके अलावा आपको करंट अफेयर भी दिया जाएगा, सामान्य विज्ञान का वीडियो भी दिया जाएगा और हिंदी का वीडियो भी बीच बीच में आपको मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।